चलिए शुरू किया जाता है प्रोग्राम सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। मैं हूं रॉकी। दिल्ली का सबसे बड़ा मेला वेलावंती.com मंडे टू सैटरडे 11 से 1 बजे तक होती है। और आज स्टूडियो में मेरे साथ यहां पर तीन कमाल के लोग हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम। मैं सभी सिद्दकी बिग बॉस फैम एंड इनके साथ में है वसीम और उनके साथ में अजीम। अजीम एंड वसीम, दोनों बंदों कमाल लग रहे हैं। आपका स्वागत है वेलापंती में। मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल महज भी आपसे, घर की ही वीडियो है ये जो आप लोगों ने बनाई है। अच्छा बता दूं मैं आपको यहां पर कि ये जो वसीम है इन्होंने गाना गाया है और जो भैया हैं जो वसीम के जीजा जी हैं इन्होंने गाने में फीचर किया है और दीदी ने भी गाने में फीचर किया है। ये दीदी हैं इनकी, तो बात है ये। तो इन्होंने घर में बैठे चाय पीते पीते सोचा कि यार क्या किया जाए, पैसा बहुत आ गया है तो क्यों ना एक गाना बनाया जाए। क्या कुछ ऐसा ही हुआ था इस गाने को बनाने के पीछे, क्या वजह थी बताइए। नहीं नहीं, इसके पीछे बहुत ही कमर्शियल वजह थी। ऐसा नहीं है कि ये घर मतलब घर के फैमिली मेंबर से तो इनको हम पुश करें और जबरदस्ती इनको हाईलाइट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि हमारे लीड रोल में अमन हुंडल है, उनके पास फेम है, पंजाब की एक फेमस एक्ट्रेस है। इसी तरह जब महजवी के पास फेम आया बिग बॉस का, तो हमने सोचा इनको यूटिलाइज क्यों ना करें। और वूफर वूफर सॉन्ग के लिरिक्स ऑलरेडी हमारे पास थे। ओके, तो इनके बिग बॉस में जाने के बाद एक ऐसा फेम घर में आ चुका था कि भाई अब तो गाने को रोकना पड़ेगा महजवी सिद्दीकी के लिए। ओहो, तो इनके लिए हमने गाना रोका, फिर हमने वीडियो में इनको डाला, अजीम शेख को और मेरी सिस्टर महजवी सिद्दीकी को डाला। तो गाने का हमें रिस्पांस भी वैसा ही मिला जैसे हमने प्लान किया था। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है। हमारे सॉन्ग के नीचे कमेंट्स पढ़े, कितना पॉजिटिव लोगों ने लिखा। पंजाब से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है सॉन्ग को। 2 मिलियन के करीब व्यूज मेरे ख्याल से अभी 2.5 मिलियन क्रॉस हो चुका है। ऑलरेडी हो चुके हैं क्रॉस जी, और अभी भी मतलब वो बढ़ ही रहा है। ऐसा नहीं रुक गया, स्टॉप में नहीं है, वो बढ़ रहा है।